केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का 3% डीए बढ़ा दिया है। इसके चलते अब केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के डीए में 7% का अंतर आ गया है। प्रदेश सरकार द्वारा डीए नहीं बढ़ाए जाने से सभी शासकीय कर्मचारियों में आक्रोश है। प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठन दिवाली बाद बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 53% डीए मिलेगा। पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में भी 3 की बढ़ोतरी की गई है। अब पेंशन भोगियों को भी 53% डीआर मिलेगा। केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर में बदलाव करती है। यह बदलाव कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को देखते हुए किया जाता है। केंद्र सरकार जब महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो प्रदेश सरकार को तुरंत अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाना होता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने पिछली बार 4% भत्ता नहीं बढ़ाया, अब 3% और बढ़ गया है। ऐसे में प्रदेश के कर्मचारी केंद्र के कर्मचारियों से भत्ते के मामले में पिछड़ गए हैं। दोनों के बीच 7% का अंतर आ गया है। महंगाई भत्ता न बढ़ने के कारण प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारियों को जब भी केंद्र सरकार ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया, उसके बाद हम केंद्र सरकार से 7% पीछे हो गए। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कर्मचारी संघों से वादा किया था कि केंद्र सरकार जिस दिन से महंगाई भत्ता बढ़ाएगा उस दिन से राज्य के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता उस दिनांक से दिया जाएगा, किंतु हम देख रहे हैं कि विगत 4% तो काफ़ी समय से दिया ही नहीं गया था, अब 3% केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दे दिया है। चूँकि कल मंगलवार को हम लोगों को काफ़ी अपेक्षा थी कि कैबिनेट की बैठक है और दीपावली जैसा त्यौहार है, अखबारों में अक्सर छपता है कि कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा मिला, कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा मिला, तो हम लोगों को लग रहा था कि दीपावली के तोहफे के रूप में मोहन यादव सरकार भी कर्मचारियों को 7% महंगाई भत्ता देगी, किंतु उसके विषय में कहीं चर्चा भी नहीं हुई, कोई बात भी नहीं हुई। इससे कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है कि कर्मचारियों के हित के लिए यदि सरकार को कुछ देना होता है तो सरकार आर्थिक तंगी का बहाना बना देती है, और अन्य हमें उसका कोई वो नहीं है कि अन्य किसी से विरोध है, बाकी अन्य हर मद में वो काफ़ी करोड़ों रुपये खर्चा कर रहे हैं। बाकी कर्मचारियों की जब बात आती है तो 400 करोड़ का खर्च है, 500 करोड़ का खर्च है। कर्मचारी अपनी मेहनत करता है, सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप जो देने के लिए कर्मचारी काम करता है। नीचे बिल्कुल इंटीरियर में जाकर के कर्मचारी सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देता है, फिर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता या कोई अन्य लाभ देने के लिए क्यों सरकार इनकेन पर कहाँ। कल पूरे प्रदेश में कर्मचारी भोपाल में इकट्ठा होकर के सतपुड़ा के सामने आंदोलन कर रहे हैं और ढोल नगाड़े वगैरह सभी बजाए जाएंगे, शायद सरकार को सुनाई दे दे, और नहीं तो फिर इसके बाद पूरे प्रदेश में कर्मचारी कोई भी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। प्रदेश संगठन के आह्वान पर इंदौर में कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को आंदोलन किया था। अब दिवाली के बाद प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।